नमस्कार। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और हम सब की दीदी का दुलार जो है वो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल फोर्सेस के प्रति, सीआरपीएफ तो एक नाम है लेकिन सेंट्रल फोर्सेस के प्रति बना रहेगा? और ये दुलार के प्रति बहुत आसक्त रही हैं दीदी। दीदी नहीं चाहती है कि उनके आसपास कहीं पे भी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस आएँ और वो कुछ दाल में काला करें, उनकी खासतौर से योजनाओं को उनसे उनकी दिक्कत होती है। और जब भी कभी सेंट्रल फोर्सेस का मामला आता है तो वो चुप्पी साध लेती हैं, मना करती हैं और पूरा जोर लगा देती हैं कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस ना आने पाएँ। लेकिन अब उनकी नहीं चलने वाली है, नहीं इसलिए चलने वाली है क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और उन पंचायत चुनाव में दीदी का मानना था कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई सेंट्रल फोर्सेज ना आए। और उन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी अकलमंदी से 8 जुलाई को एक फेज़ में, पश्चिम बंगाल इतना बड़ा लेकिन उन्होंने कहा ना एक फेज़ में हम चुनाव चुनाएंगे, हम तो बिल्कुल बहुत ताकतवर हैं और सब बिल्कुल सामान्य तरीके से हो जाएगा। और स्टेट पुलिस, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इसके लिए राजी हो गया था और कैसे होगा ये नहीं पता था। लेकिन ममता की क्यों इसके वजह थी, ममता की खुद की अपनी जो कार्यशैली है और अपनी जो उनकी मशीनरी है वो ये जरूर, कार्यकर्ताओं की मशीनरी जो है वो ये जरूर चाहती थी कि पश्चिम बंगाल का पंचायत चुनाव जो है वो एक फेज में हो ताकि सब कुछ अपने रणनीति के हिसाब से वहाँ चला जा सके। रणनीति का मतलब साफ है, कौन सी रणनीति काम आती है। बिहार में हमने वो रणनीति 95 में देखी और 2005 तक देखी थी, जब आते थे लोग ठप्पा लगा के चले जाते थे। अब 5 के बाद से वहाँ पर भी धीरे धीरे ऐसा हुआ, जहाँ करना होता था बहुत मुश्किल होता था तो वो ईवीएम में कोशिश की थी। लेकिन ममता जी सिर्फ ईवीएम पे भरोसा नहीं करती हैं, ममता दी तो उसके लिए बहुत अलग तरीके से भी जाती हैं, जाने ही नहीं दो उम्मीदवार को मंच तक और कैसे वो दाखिल करेगा। पिछली बार आपको याद कराएं 2018 में 38% पंचायत चुनाव के जो मेंबर थे वो निर्विरोध हो गए थे। ऐसा दुनिया में कहीं होता है लेकिन भारत में ऐसा होता है, पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है। और हम सब लोग जो है लोकतंत्र की रिहाई के नाम पर वाह बड़ा बढ़िया 38% लोग, 38% का मतलब 100 में 38 का मामला सिर्फ नहीं है, यहाँ पर हजारों उम्मीदवार थे जिसमें 38% लोगों ने निर्विरोध चुन लिए गए। तो तय है कैसे हुआ था, धक्के थे, डंडे थे। और तब 38% के अलावा 20 लोग चुनाव में मारे गए थे, 12 लोग तो उसी दिन मारे गए थे जिस दिन इलेक्शन था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा वो इलेक्शन रहा होगा। और जो जो परसेंटेज हो सकता है थोड़ा सा खेल हो सके, हो सकता है कि इसमें मैं थोड़ा गलत भी हो सकूँ, शायद 34% हो सकता है, लेकिन 34 या 38% था। और उसमें जो मारे गए थे उसमें न जाने क्या क्या हुआ था, बमबारी हुई थी, बूथ कैप्चरिंग हुई थी, गोलीबारी हुई थी, और उसके पहले जो निर्विरोध चुन लोगे थे ही, तो इस बल पे बहुत कुछ हुआ। और आज के चुनाव जो है अपने आप में पंचायत चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है ये 23 तारीख वाला 8 जुलाई का, क्योंकि अब 24 आने वाली है, 24 का इलेक्शन आने वाला है। क्यों इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 के इलेक्शन के पहले जब 19 का लोकसभा का इलेक्शन था तो ममता दी को थोड़ी तकलीफ हुई थी, 42 सीटें लोकसभा की थी और भारतीय जनता पार्टी ने अनएक्सपेक्टेडली अप्रत्याशित रूप से 18 सीटों पर कब्जा कर लिया था। तो ममता जी ये कतई नहीं चाहती कि ऐसी कोई पुनरावृत्ति हो। और तय बात है चुनाव जो लड़ा जाता है कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ा जाता है, और जब वो कार्यकर्ता ही वहाँ पर या पंचायत समिति के लोग जो हज़ारों की संख्या में होते हैं, हज़ारों की संख्या इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं उसमें 62,404 ग्राम पंचायत के हैं, पंचायत समिति के 9,448 ऐसे ही कुछ हैं और जिला परिषद के 928 सीटें हैं। तो अभी तो ये नंबर है, पिछला वाला नंबर थोड़ा डिफरेंट था लेकिन 34 फीसदी मैं दोबारा कह रहा हूँ, 34% लोगों को अगर निर्विरोध चुन लिए जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कैसा काम करेंगे। तो उन्होंने वो काम करने की कोशिश के बाद भी 19 में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों पर जीतने से रोक नहीं पाए थे,
लेकिन अब की से ये पूरी कोशिश हो रही है कि उसी तरीके से किया जाए और पूरी रणनीति तो और उन्होंने पूरा ढांचा वैसे ही बनाया था कि निर्दलीय के पहले थे लोगों को भरने ही ना दिया जाए, तो वो कोशिश जारी रखी। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, जब 8 जून को पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की तो हमारे शुभेंदु अधिकारी जो विधानसभा पश्चिम बंगाल विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी कि साहब हिंसा की आशंका है और यहाँ पर CRPF लगाई जाए या केंद्रीय बल लगाए जाए, सुरक्षा बल लगाए जाए। तो हाईकोर्ट ने 13 तारीख को उसका फैसला भी कर दिया, कहें हाँ ठीक है आप लगवाओ। तो अब ममता इस पर बहुत चिढ़ गई और वो चली गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहा क्या फालतू की बात है, साहब क्यों आप लगा देंगे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के कहने पर मैं इसको रद्द कराने आई, इसको रद्द कीजिए। रद्द कराने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश कर ली और तमाम तर्क दिए, तमाम बातें की, लेकिन आज जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम इसको हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा का अपने आप में इतिहास रहा है, इसलिए ऐसा करना संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा, पश्चिम बंगाल इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि साहब, उनका अरोड़ा थी वहाँ पर, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे क्या होगा, हम तो सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारा राज्य करे और हम राज्य को रिकमेंड करेंगे तो राज्य करा लेगा। राज्य की तरफ से कहा गया नहीं नहीं हम तो करा लेंगे और ज़रूरत होगी तो अगल बगल की पुलिस वालों को बुला लेंगे, अगल बगल की 5 स्टेटों की पुलिस वालों को बुला लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अगल बगल के राज्यों के पुलिस कर्मियों को बुलाने को राजी नहीं है, केंद्रीय बल जो फ्री में आएगा आपके लिए, आपके ऊपर कोई बोझ भी नहीं होगा, तो उसको क्यों नहीं लेंगे आप, करने दीजिए, आने दीजिए। और फिर इसको मान लिया गया और ऑनरेबल जस्टिस जब दो थे जो वैकेशन पे थे, जस्टिस B.K. नागरथ और जस्टिस थी और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन दोनों ने इस पर अपना फैसला दिया और कहा कि नहीं वो ऐसे तर्क को नहीं मानेंगे और अगर चुनाव न्यायपूर्ण और शांति से होने हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि केंद्रीय बलों की नियुक्ति में उनका कोई उनको हर्ज नहीं नज़र आ रहा है। और क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है जहाँ खूब हिंसा हुई है तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकता। और आज अभी हाल में भी जब 8 तारीख के बाद भी एक कार्यकर्ता की भाजपा के जो प्रत्याशी था उसकी हत्या कर दी गई, केंद्रीय मंत्री रहे निशित प्रमाणिक उन पर उनके काफिले पर हमला किया गया और ऐसी कई घटनाएं हुई थी। तो इस तरह से ममता दी का जो केंद्रीय बलों के प्रति, सुरक्षा बलों के प्रति प्रेम है वो फिर उनके साथ रहेगा। वो आने वाले दिनों में 8 जुलाई तक उसको लेके आक्षेप होंगे और अब उनकी तैनाती भी जल्दी शुरू होने जा रही है तो चुनाव के पहले ही तैनाती हो जाएगी। तो इसलिए ममता दीदी का प्रेम जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रति फिर से आपको नज़र आने लगेगा। इस पर नज़र रखिए और ख़ास तौर से भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब TMC का कार्यकर्ता भी उत्तेजित होगा तो साथ में उत्तेजना के लिए और जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे पश्चिम BJP हो, दोनों उत्तेजित होंगे और दोनों भी अपने हक जताने के लिए जाएंगे। हाईकोर्ट में तो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी अपनी एक अपील दाखिल की थी कि कहा था कि वहाँ पर उसकी हिंसा होने की संभावना है। इस चुनाव का एक और असर होने जा रहा है, एक और असर, इसलिए आजकल में अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है तो कांग्रेस किस तरीके की प्रतिक्रिया करेगा इसका असर 23 तारीख की बैठक में भी नज़र होने वाला है। 23 की बैठक जो विपक्षी दलों की पटना में विपक्ष बैठक होने वाली है उस पर भी उसका असर, थोड़ी बहुत छाया देखने को मिल सकती है। तय है इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश है और सुधांशु त्रिवेदी जो सांसद भी हैं और प्रवक्ता भी, उन्होंने कहा भी है पश्चिम बंगाल की असंवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि शायद इस फैसले से स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो सके। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया।